अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ लेक्चर नंबर 5। ये आज हम लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 5 है हमारा ग्रुप्स के हवाले से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो देखिए, ये है एक टेबल बनी हुई है, मल्टीप्लिकेशन टेबल इसको बोलते हैं हम। तो -1, -1, 0, 1, -1, 0, 1, ये देखें और ये नंबर्स देखें सेम हैं। उसके बाद आप इनको मल्टीप्लाई करें, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 1। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इनको करेंगे तो क्या मिलेगा, -1। सिमिलरली 0 को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 0। वैसे ही 1 को अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मिलेगा, 1 को अगर 0 के साथ करेंगे तो 0 मिलेगा, और 1 को अगर आप 1 के साथ करेंगे तो 1 मिलेगा। तो मतलब ये पूछ रहे थे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क थे इधर क्या रिजल्ट मिलेगा, तो इधर मिलेगा 0, इधर मिलेगा 1, तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। नंबर 2, इफ़ ए स्टार बी, कोई भी एक ऑपरेशन है, ए स्टार बी इज इक्वल टू 2ab, तो आप ये फाइंड कीजिए 8 * 3 * 1। तो पहले तो आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है। 3 * 1 डेफिनेशन है कि आप दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और उनका डबल करो, ये डेफिनेशन है। तो आप इनको मल्टीप्लाई करें, 3 * 1 क्या होगा, 3 होगा, और इसका डबल क्या होगा, 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा 6। अब ये क्या है, 8 * 8 * 6, तो ये हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लीकेशन करें तो ये होगा 48, और इसका डबल करेंगे तो क्या होगा, 96। तो इस पूरे का जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, 96, ऑप्शन बी। Which operation on a set of irrational number is binary operation? तो याद रखिएगा, जब भी word irrational number आ जाए तो वो कभी भी binary operation नहीं होता, वो कभी भी groupoid नहीं होता, तो option D आपका क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा। Number 4, if star is a binary operation and A star B definition है, दोनों numbers को add करो plus 3 कर दो, तो इन दोनों को ये operation है 3 * 10, सवाल ये है *5। आपको करना क्या है कि इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, मतलब इन दोनों को प्लस करना है और प्लस 3 कर देना है। तो इन दोनों को प्लस करें कितना होगा, 13, प्लस 3 करें तो कितना होगा, 16 *5। अगेन फिर से स्टार है तो इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, तो क्या होगा, 21, प्लस क्या करना है, 3 करना है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 24। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। नंबर 5, इन अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज सेट टू बी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव के लिए तो कहानी ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होता है। एक्शन ऑफ वेयरिंग सॉक्स एंड शूज क्या होगा, ये नॉन कम्यूटेटिव होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप पहले जब भी आप स्कूल जाते होंगे शूज पहनते होंगे, तो पहले आप सॉक्स पहनते होंगे, पहले सॉक्स और उसके बाद आप क्या पहनते होंगे, शूज, सॉक्स और फिर क्या, शूज। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले आप शूज पहने और उसके ऊपर आप सॉक्स पहने, तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। मतलब इनकी अरेंजमेंट में मैटर हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा अगर आप ये करेंगे, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये नॉन कम्यूटेटिव है, नॉट कम्यूटेटिव। नंबर 7 देखें, विच ऑपरेशन इज एसोसिएटिव ऑन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स एडिशन में भी एसोसिएटिव होता है, मल्टीप्लीकेशन में भी होता है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी, बोथ ए एंड बी, सॉरी। नंबर 8, द आइडेंटिटी एलिमेंट इन द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स अंडर एडिशन। अंडर एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट, या हम इसे बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है, याद रखिएगा, ये तो याद कर लें आप, एडिट आइडेंटिटी हमेशा क्या होती है, 0। आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। द आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर स्टार ए स्टार बी इज इक्वल टू 4ab, एक ऑपरेशन है, एक सॉरी सवाल है, ए स्टार बी इज इक्वल टू 4ab, ऑपरेशन इसका क्या है, स्टार। स्टार क्या बोलता है कि दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, और उसको किससे मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो। तो आप क्या करेंगे, इसकी आपको क्या चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए। तो हम जानते हैं आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या है, ए स्टार इज इक्वल टू ए। अब ए स्टार ई स्टार अगर दो नंबर्स के बीच में होगा, तो दोनों को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ए ई, और इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, 4ae इज इक्वल टू ए। अब ए और ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, बाकी 4e इज इक्वल टू 1, या e इज इक्वल टू 1/4। तो e जो है, दैट इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, वो किसके बराबर हुआ, 1/4 के बराबर।
एवरी एलिमेंट ऑफ जेड हैज एन इनवर्स. देखें ये एडिशन के हिसाब से इंटीजर्स में इनवर्स होता है, जैसे कि 2 का माइनस 2, 3 का माइनस 3, माइनस 1 का 1 या 1 का माइनस 1, 0 का 0. लेकिन इन केस ऑफ डिवीजन तो दूर दूर से कैंसिल कर दें, सब्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होगा, क्योंकि 2 का होगा 1 अपॉन 2 अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो इसका जवाब सिर्फ एडिशन होगा. नंबर 12 देखें, एस स्टार मल्टीप्लिकेशन वेयर एस सेट है कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है और ये फाइनाइट सेट है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ 1 या यूनिटी. तो इसमें ओमेगा स्क्वायर का जो इनवर्स है वो क्या होगा, ओमेगा होगा. अब मोनाइड इज ऑलवेज, वो हमेशा सेमी ग्रुप होगा, है ना. मोनाइड तभी बन सकता है जब पहले वो क्या होना चाहिए, ग्रुपोइड होना चाहिए, दूसरा सेमी ग्रुप होना चाहिए, और उसके बाद वो मोनाइड बनता है. और मोनाइड तभी बनता है जिसमें जब उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हो. तो इसका ऑप्शन डी होगा, सेमी ग्रुप. नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनाइड, इनमें से कौन सा मोनाइड है, है ना. तो मोनाइड के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होना जरूरी है. तो अंडर सब्ट्रैक्शन ये तो दूर दूर से कैंसिल, अंडर एडिशन जीरो होता है आइडेंटिटी एलिमेंट और नेचुरल नंबर्स में नहीं है. अंडर एडिशन ऑड नंबर्स में जीरो होता है, लेकिन जीरो ऑड नंबर्स में नहीं होता. तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है और 1 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनाइड, इनमें से कौन सा मोनाइड है, इनमें से मोनाइड कौन सा है. तो हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स अंडर एडिशन, रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स अंडर एडिशन, या ऑल ऑफ दीज. तो इसमें सब हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है. नंबर 16, द सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो इज अ ग्रुप अंडर, ये ग्रुप किसके लिहाज से है, एडिशन के हिसाब से तो नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन के हिसाब से भी नहीं होगा, डिवीजन के हिसाब से भी नहीं होगा, ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से होगा. तो ये सवाल थे ग्रुप्स के, आप काइंडली ग्रुप्स जो है उसको आप कर लीजिएगा, ये सवाल कुछ पढ़ लीजिएगा और कुछ डेफिनेशंस भी पढ़ लीजिएगा, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप पढ़ लीजिएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ लीजिएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा. इंशाल्लाह आपका टेस्ट ग्रुप से भी कोई सवाल इधर उधर बाहर नहीं जाएगा. ठीक है जी, अब हम सीक्वेंस एंड सीरीज अब हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट वुड बी लेक्चर नंबर 6. मुझे इजाज़त दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये MCQ शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ. अल्लाह हाफिज़.